पश्चिम बंगाल संदेश खाली हिंसा मामले में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संदेश खाली हिंसा मामले में मास्टरमाइंड कहे जा रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सरेंडर करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट में हलफनामा देना होगा। इसमें सरकार को बताना होगा कि उसने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए क्या क्या किया। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संदेश खाली के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि टीएमसी नेता जहां कहीं भी है उसे सरेंडर करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी अधिकारियों पर हमला करने के साथ स्थानीय लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप है। बता दें कि शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी पर हमले के बाद से फरार है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। आप पार्षद कुलदीप कुमार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने चंडीगढ़ में दोबारा महापौर चुनाव की मांग करने वाली पार्टी की अर्जी पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कुलदीप कुमार को विजेता घोषित करने से पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए वोटों की गिनती दोबारा करने का आदेश दिया था। वहीं वोटिंग के बाद क्रॉस मार्क किए गए बैलेट पेपर को भी गिनती में शामिल करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से उन 8 मतपत्रों को दिखाने के लिए कहा जिन्हें चुनाव के दौरान अमान्य कर दिया गया था। मतपत्रों को देखने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अवैध करार दिए गए 8 बैलेट पेपर पर कुलदीप कुमार का नाम है। इन पर एक लाइन लगाई गई थी। सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए और इन 8 वोटों को वैध मानकर गिनती में शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कि बीते दिन सोमवार को सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अदालत के सामने कबूल किया था कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगाया था। उन्होंने सफाई दी थी कि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने बैलेट पेपर फाड़ने की कोशिश की थी, इस कारण उन्होंने पेपर पर निशान लगा दिया। वहीं दोबारा मतपत्रों की गिनती के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सीबीआई के स्पेशल जस्टिस एसपी नाइक निम्बालकर ने कहा कि कोर्ट के पास प्रसारण को रोकने की अंतर्निहित शक्ति नहीं है और उन्होंने कहा कि आपको ये सलाह है कि आप उचित मंच पर संपर्क करें। जस्टिस ने माना कि अभियोजन पक्ष ने ऐसे निर्देशों के लिए कोई कानूनी प्रावधान उनके ध्यान में नहीं लाया था। द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी द बरेड ट्रूथ शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज 25 वर्षीय शीना बोरा के लापता होने की कहानी बताती है और इसका प्रीमियर 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा। बता दें कि अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में 24 वर्ष की शीना बोरा की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी। शीना बोरा का जला हुआ शव पड़ोस के रायगढ़ जिले के जंगल में मिला था। शीना बोरा की हत्या का खुलासा 2015 में तब हुआ जब ड्राइवर श्यामवर राय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद घटना का खुलासा किया। इंद्राणी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया और मई 2022 में जमानत मिल गई। इस मामले में श्यामवर राय, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी भी जमानत पर हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के मामले को लेकर मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। कोर्ट ने इसे लेकर मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा न होने दे। मंगलवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आप ट्रॉली में सवार होकर अमृतसर से दिल्ली के लिए जा रहे हैं, हर किसी को आपके मौलिक अधिकारों के
बारे में जानकारी है, मगर कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर कुछ जरूरी पाबंदियों का भी पालन होना चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि प्रदर्शनकारी किसानों की मांग को लेकर बैठकें हुई हैं। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को एक नया हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है, जिसमें ये बताया गया हो कि बैठकों से क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया है। अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। अमानतुल्ला खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को रखी गई है। बता दें कि राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। ईडी का दावा है कि आप विधायक के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते बोर्ड ने स्टाफ की हायरिंग और बोर्ड के एसेट लीज पर देने में गड़बड़ी की है।